नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में करियर बनाने के लिए यदि आपको चाहिए तो शिक्षा से रिलेटेड ही सोचना चाहोगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेहनत करे और शिक्षा से जीत कर अपने करियर को बनाने के लिए शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि अगर पढ़ाई में अगर अव्वल नंबर से पास होता है तो उसका करियर सबसे अच्छा बना रहेगा और करियर को अच्छा बनाने के बाद वह किसी न किसी जॉब के लिए भी अवेलेबल रहेगा और जॉब को अगर वह करना चाहता है तो वह उसके लिए उच्चतम पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो आज जानते हैं कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सा माध्यम चुनना चाहिए जिसके द्वारा आप अपने करियर को बना सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड अगर हम जानना चाहें तो अपने करियर को बनाने के लिए सबसे पहले हम गुरु को ही अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनसे ही अपनी शिक्षा ली जाती है और शिक्षा लेने के बाद उसको महत्व देकर हम अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने माता पिता को और अपने गुरु से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके निकले ताकि उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। और जब भी आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो तो अपने अध्यापक से जरूर राय लें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। यदि आपका चरित्र खराब है तो यह आपके जीवन पे और आपके करियर पे सबसे गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि चरित्र शनि भगवान का ही रूप माना जाता है। यदि आपका चरित्र थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ है तो शनि महाराज क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद आपके करियर को बिगाड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपका चरित्र सुदृढ़ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, यानी कि मन को साफ रखें और जब कोई कार्य करें तो वह कार्य सकारात्मक। यदि आपके करियर में बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है या फिर बाधाएं आ रही है या फिर समस्याएं कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए एक उपाय है। आप सुबह उठकर नहाकर केसर का तिलक अपनी नाभि पर लगाएं और दूध में हल्दी डालकर पिएं। ऐसा करने से आपके करियर में जितनी भी बाधाएं हैं और समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी और आपके करियर में अच्छे से बढ़ोतरी होगी। यदि आप अपनी शिक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर आप अध्यापक हैं या फिर आप किसी भी लॉयर हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप खास कर ख्याल रखें कि बृहस्पति के दिन कोई भी ऐसी चीज दान न करें जो पीली होती है, जैसे पीला कपड़ा हो गया, सरसों हो गया या फिर केसर चंदन जो पीले होते हैं और केला। ये कभी भी वीरवार के दिन आप दान ना करें, क्योंकि अगर आपका वीरवार को ये चीजें दान करते हैं तो ऐसे आपका बृहस्पति कमजोर हो जाएगा और वह आपको गलत परिणाम देगा। आपकी नाक भी बृहस्पति से जुड़ी हुई है। यदि आप नाक को साफ करते हैं और बार बार उंगली नाक में डालते हैं तो यह आपकी गंदी आदत है। कोशिश करें कि आप नाक को सुबह और शाम को ही साफ करें और वीरवार के दिन ऐसे काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे भी आपको वीरवार कमजोर हो जाएगा और वीरवार कमजोर होने से आपके करियर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं इस बात का खास ख्याल रखें जो करियर बनाने की लाइन में जुड़े हुए हैं। अपने ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पर कूड़ेदान ना रखें और उत्तर और पश्चिम दिशा भी आपको साफ सुथरी रखनी चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन पर और आपके करियर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। दिशाएं हमारी चार होती हैं, चारों दिशाओं में कोई ना कोई कार्य करने से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है। तो कोशिश करें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह सुदृढ़ करें और साफ सुथरा अपने आसपास का क्षेत्र रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका करियर में भी बढ़ोतरी होगी और आपके करियर बनने में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। तो ये वह चीजें हैं यदि आपके करियर बनने में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।